और दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कुछ लोगों के बीच जमकर हंगामा मारपीट हुई और इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उस पर चाकू से हमला किया गया था और अन्य तीन लोग घायल हैं, जिनका इलाज बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जारी है। दरअसल पुलिस को रात करीब 11 बजे के आसपास जानकारी मिली थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। पूछताछ के दौरान पता चला कि दो नाबालिग लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था और उनमें से एक की साइकिल दूसरा नाबालिग लड़के से टकरा गई थी और इसी बात पर परिवार के अन्य सदस्य भी जब बीच बचाव करने के लिए आए तो झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अन्य लोग फरार हैं जिनको पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। छोटे से बच्चे के ऊपर हादसा हुआ था, छोटा सा, इसलिए तो मेरी बहन गई उस मसले को सोल्व करने। ऊपर से उसका आ गया उसका मुखिया, उनने आके उस पर रोड मार दी पहले, तो उसके मेरी बहन के वाइफ गए उनके पास, है ना, उन्हें भी मारा। फिर मेरा जो भाई था ना जिसके 16 टाके आए, वो गया तो उसका सर फाड़ दिया। फिर जो ख़त्म हो गया अब्दुल मुतल्लिफ, उसका भी सर फाड़ दिया। फिर सारे को हम यहाँ खींच के लिया है और लड़ो मत ये सब खींच के लिया है। फिर हमने यहाँ पे रुके हुए थे, एक ही बारी वहाँ से 25-30 लोग आके मुन्ना भाई पे लपेट गए। अब्दुल, रात की कितने बजे की घटना थी ये? कम से कम 10:45 पे। सर छोटे बच्चे वहाँ साइकिल चला रहा, उसे लग गया होगा पुलिया पे, उसने मारा उसको दबा के सिर पर, वो रोते हुए घर आया। वो अपने माँ बाप को बोला, उसके माँ बाप गए पूछने के लिए भाई क्यों बच्चे को मारे हो, तो उसने उसके ऊपर वार कर दिया। उसके बाद लड़के सभी बचाने गए, सबको पीटना शुरू कर दिया। उसका कम से कम 25 आदमी रहे होंगे, 25-50 आदमी। उसने सारे चूड़ी वाले को बुला लिया फोन करके, सारे पूरे वाले को। अब उसके बाद हम भी गए तो सबको बुला के ले आए, कुछ अब चोट उड़ाई सबको पकड़ के ले आए, मेरे भी चोट वहाँ हाथ में लगा, अब ला के यहाँ रख दिए। फिर दोबारा उसने चाकू लेकर के आया, सारे एक रैली होकर के आया और यहाँ पर चाकू मार करके